दोस्तों जैक्सन मशीन आपके लिए लेके आया है एक ऐसी यूनिक छोटी मशीन जिसकी सहायता से आप अपने घर से ही अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हो। और दोस्तों इस बिजनेस में आपकी डेली की कमाई 6 से 7 हज़ार रुपये होने वाली है। तो ये मशीन आखिर कैसे चलती है, क्या मशीन की खूबियाँ हैं, वो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मशीन के बारे में बता देता हूँ, तो ये बेस्ट क्वालिटी के अंदर आपको मशीन मिल जाती है। डाइयाँ यहाँ पर आप अलग अलग टाइप से चेंज कर सकते हो, छोटा बड़ा जिस तरह का भी आपको लगाना है लगा सकते हो। और इधर इसके अंदर पैनल दिया गया है, आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे इसको ऑन और ऑफ करने का रन बटन दिया गया है। और यहाँ पे स्पीड का मीटर दिया गया है, इसको कम या ज़्यादा करते हैं तो स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हो। अभी इस मशीन से प्रोडक्ट बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं आटा है जिसको हमने रेडी कर लिया है गूंथ के। ये आटा अगर आप चाहें तो हाथ से गूंथ सकते हैं, लेकिन आपको अगर प्रोडक्शन करना है, मार्केट में सेल करना है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आपको इसके लिए आटा गूंथने वाली मशीन लेनी पड़ेगी। वो मशीन भी आपको जैक्सन मशीन में मिल जाएगी। तो वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए हमने आटा पहले से गूंथ के रखा है। अभी हम इस आटे को इस मशीन के अंदर डालते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो जो ये प्रोडक्ट आटा है ना, इस रोलर के नीचे से गुजारा जाता है। अब इस इनकी सहायता से हम इसमें इसकी थिकनेस जो है ना वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कि जो रोलर से निकल रहा है आटा इसको हमें मोटा रखना है या पतला रखना है, ये हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये मशीन की खूबी है। अभी कटिंग होने के बाद डाइयों से यहाँ आप देखिए, इसका प्लस मोड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आटा है वो इस रोलर के थ्रू वापस इकट्ठा होता रहता है और पानीपुरी कटी हुई इस मशीन से इस बेल्ट के जरिए आती रहती है। यहाँ पे आपको कपड़ा वगैरह बिछा लेना है, उसके ऊपर से आप ये पानीपुरी इकट्ठे कर सकते हो कटिंग के। इस मशीन की खूबी यह है कि इसमें आपको एक ही शेप के अंदर, एक ही साइज़ के अंदर और एक ही थिकनेस के अंदर पानीपुरी मिल जाती है। अगर आप हाथ से करोगे तो इन हाथ से करने में आपका एक ही शेप नहीं रहेगा और थिकनेस भी कम या ज़्यादा होगी, तो प्रॉपर नहीं बन पाएंगे। प्रॉपर नहीं बनेंगे तो मार्केट में आपसे कोई नहीं लेगा। दोस्तों जब ये इस तरह के पानीपुरी कटिंग के बाद रेडी हो जाते हैं, इनको हम एक कपड़े पर रख लेते हैं, जैसे कि आपने यहाँ आप देख सकते हैं ये रखे हुए हैं। तो कपड़े पर रखने का फ़ायदा ये है कि ये चिपकते नहीं एक दूसरे से और लंबे टाइम तक रखे भी रह सकते हैं। जैसे कि हमें 10-5 मिनट में अगर इनको फ्राई करना है तो आप ऐसे ले सकते हैं। अभी हमने इनको उठा लिया है और इधर हमारे पास है एक इलेक्ट्रिक फ्रायर। दोस्तों आप ये इलेक्ट्रिक फ्रायर देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्रायर अलग अलग साइज़ में आते हैं। आपको छोटा चाहिए छोटा ले सकते हैं, बड़ा चाहिए आप बड़ा ले सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक फ्रायर की खूबी यह है कि इसमें आप टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आपको अगर कम टेम्परेचर चाहिए तो कम, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा। और इसके अलावा दोस्तों ये इलेक्ट्रिक फ्रायर होने की वजह से ये बिजली से चलता है। अगर आप इसको गैस से चलाएंगे तो आपका खर्चा ज़्यादा आएगा, गैस इसमें ज़्यादा कंजप्शन होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्रायर होने की वजह से इसमें बिजली का जो बिल है गैस से आधा आता है, तो इससे आपकी कॉस्टिंग भी थोड़ा कम हो जाती है, कॉस्ट कटिंग हो जाती है। तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है इस इलेक्ट्रिक फ्रायर की मदद से। और इसकी खूबी इसमें ज़्यादा धुआं वगैरह कुछ नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पानीपुरी हमने अभी काट के निकाले हैं उसको डाल रहे हैं तो सारे के सारे फूले हुए आ रहे हैं, एक ही शेप में आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये पानीपुरी हमारे रेडी हो जाते हैं तो इनको हम एक जगह पे रख लेते हैं, फिर उसके बाद इनको गिन के हमें पॉलीथीन के अंदर पैक करके मार्केट में बेचने के लिए इनको भेज देना होता है। इसमें आप पैकिंग अलग अलग टाइप की बना सकते हैं, आप 100 पीस की, 50 पीस की, जैसे भी चाहें उस टाइप की बना सकते हैं। दोस्तों जो पानीपुरी हमने फ्राई किए थे वो सारे हमने लाके एक जगह इकट्ठा कर लिए हैं। एक जगह इकट्ठा करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ये बेस बने हैं कितने क्रंची हैं। देखिए अब मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल टूट रहा है अच्छे से। अब ऐसे ही काम नहीं चलने वाला, इनको आपको पैक करना रहेगा। तो पैक करने के लिए मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ इस तरह की पॉलीथीन हमारे पास रखी हुई है। इस तरह की पॉलीथीन के अंदर हमको इनको गिन के पीस के अंदर पैक कर लेना होता है। इस थैली के अंदर आप चाहें तो 50 पीस, 100 पीस, 200 पीस, जैसे भी आपके यहाँ मार्केट में डिमांड हो उस अकॉर्डिंग आप या इसमें पैक करके मार्केट में सेल करने के लिए भेज सकते हैं। अगर आपको दोस्तों पानीपुरी बिजनेस की प्रॉफिट मार्जिन वगैरह के बारे में बताऊं तो इसमें प्रॉफिट आपको 1 केजी पे लगभग 15 रुपए होने वाला है, क्योंकि मार्केट में ये जाता है लगभग 45 रुपए के आसपास और आपको बनाने का खर्चा आता है इसका सिर्फ 30 रुपए 100 पीस का। तो अगर ये जो मशीन अभी हमने आपको दिखाई है ये एक दिन के अंदर 50,000 पीस बना सकती है, यानी कि 500 पैकेट। तो दोस्तों इस मशीन को अगर आप पूरा दिन चलाते हो तो आप इस मशीन से लगभग 50,000 पीस बना सकते हो। और इनको अगर कॉस्टिंग की बात करी जाए तो आपको 100 पीस बनाने में लगभग 30 रुपए का खर्चा आता है और आप जब इसको सेल करते हो मार्केट में तो लगभग 45 रुपए का जाता है 100 पीस का पाउच। तो इस तरह से आपको पर पाउच पे आपको लगभग 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 50,000 पीस जब मशीन बना रही है तो एक दिन के अंदर आपके 500 पाउच रेडी हो जाएंगे और 15 रुपए के हिसाब से आपका लगभग 7,500 रुपए रोज का इसमें प्रॉफिट होगा। और मशीन की अगर कीमत की बात करें तो ये मशीन की
रेंज यहाँ पर 42,000 रुपये से दोस्तों शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपको सिर्फ मशीन लेना है, आटा गूंथने वाली मशीन भी लेना है, इलेक्ट्रिक फ्रायर भी लेना है, या इसके अलावा कोई और मशीन भी लेनी है तो जैक्सन मशीन में वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस मशीनों के बारे में या फिर इस बिजनेस के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो नंबर वीडियो की स्क्रीन पर है, जब भी कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।